फस फस गायब। ये मीनार तो बहुत ही ऊंची है। ये घंटा घर है सुद्दी, यहाँ जब घंटा बजेगा तभी सबको समय पता चलेगा। इतनी ऊंचाई से आवाज सब जगह पहुँचेगी। प्रधान जी, ये घंटा घर कब से समय बताने लगेगा? कल से ये घंटा घर चालू हो जाएगा। देखो, ये रंगने का काम पूरा होने ही वाला है। मैं बच गया। महाराज, आज मैंने जो आविष्कार किया है उसे देखकर आपका गुस्सा उड़नछू हो जाएगा। ये देखिए मेरा नया आविष्कार, इससे मैं किसी को भी गायब कर सकता हूँ। गायब? ये तो सच में गायब हो गया। कहाँ गया मेरा भाई? रोना बंद करो फालतू, ये आ गया वापस। वाह त्रिकाल, तूने तो सच में कमाल कर दिया। फालतू, तुम अदृश्य होकर आनंद नगरी के लोगों को इतना डराओ कि वो आनंद नगरी छोड़कर भाग जाए। ये लो। टू आलतू और टू फालतू, चलो करे धमाल तू। फुस फुस गायब। फुस गायब। अच्छा भैया, चलो अब मैं चलता हूँ। ये गाड़ी बिना बैल के कैसे चल रही है? अरे तुम्हारे बैल कहाँ गए? मेरे बैल! बचाओ! भागो! भागो! भूत! 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 भागो! भागो! भूत! भूत! ये विचित्र पानी तो कमाल का है। मेरी बीवी को सोने के गहने बहुत पसंद है, तो चलो ले लेते हैं। ये हार आपके ऊपर बहुत जचेगा। ये क्या हो रहा है? अरे अरे अरे, तू कहाँ चला? अरे अरे मेरे प्यारे हार, वापस आ जा। अरे कहाँ जा रहा है? अरे क्यों मुझे बर्बाद करने पर तुला है? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया मैं क्या करूं? बल्लू बेटा, गहनों को पकड़ो। मेरा गन्ना वापस कर।
ये क्या हुआ माँ? पता नहीं आनंद नगरी में अब कौन सी मुसीबत आ गई। क्या हुआ, आप लोग इस तरह घबराए हुए क्यों हैं? प्रधान जी, आनंद नगरी पर किसी भूत प्रेत का साया पड़ गया है। हमें तो बहुत डर लग रहा है, हम आनंद नगरी छोड़कर चले जाएंगे। आप लोग डरिए मत सेनापति जी, आनंद नगरी में हर जगह सैनिकों को तैनात करिए और पता कीजिए ये कौन है जो नागरिकों को डरा रहा है। जो आ गया प्रधान जी। किसना, क्या सैनिक इस रहस्य का पता लगा पाएंगे? राधिका, हमें भी कोशिश करनी होगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरा गन्ना लेके भाग गया। हम उसे पकड़ कर रहेंगे बल्लू भैया, मैं देखता हूँ वो इस समय कहाँ गड़बड़ कर रहा है। दोस्तों, वो कुएं के पास है। कुएं के पास? सपना देख रहा हूँ। कहीं ये कोई भूत तो नहीं? टोटो, भूत, जादू टोना, ये सब कुछ नहीं होता, ये जरूर किसी की शरारत है। ये देखो, ये 6 पैरों के निशान है, यानी गाड़ी वाले के अलावा 2 आदमी और हैं जो किसी दवा के असर से दिखाई नहीं दे रहे और लोगों को डरा भी रहे हैं। अब हम इस गायब दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? जरूर उन्होंने अपने शरीर पे कुछ लगा रखा है जिससे वो हमें दिख नहीं रहे। अगर हम किसी तरह उन पर रंग डाल दें तो वो हमें दिखने लगेंगे। लेकिन जो दिखाई ही नहीं दे रहे उन पर रंग कैसे डालेंगे? हम उस पर रंग नहीं डाल सकते, पर उसे तो रंग में डाल सकते हैं। लेकिन कैसे? हमें उनसे हार माननी ही होगी। क्या? प्रधान जी, ऐलान कीजिए। हे ना दिखाई देने वाली शक्तियों, हम तुमसे डर गए हैं। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हम तुम्हें स्वादिष्ट पकवान खिलाना चाहते हैं और अपने सारे गहने देना चाहते हैं। अपने सारा सामान बगीचे के तालाब के पास रख दिया है, आओ और ले जाओ। अरे वाह, इन्होंने तो हार मान ली। तो चलो खाना खाते हैं और गहने लेते हैं, उसके बाद हम उन्हें आनंद नगरी छोड़ने को कह देंगे। हमने तालाब में रंग घोल दिया। और मैंने तालाब के रास्ते पर रंग डाल दिया। मैंने भी पेड़ से रस्सी बांध दी है। बस अब तुम सब छुप जाओ। ठीक है कृष्णा। ये सब लेने से पहले तुम दोनों को मुझसे निपटना होगा। हाँ, ये हमें देख सकता है क्या? हाँ, इसे तो अभी ठिकाने लगाता हूँ। मैं इन्हें देख नहीं सकता, लेकिन इनके पैर के निशान तो देख सकता हूँ और इनकी आहट भी सुन सकता हूँ। बहुत दर्द हो
इसे बाद में देख लेंगे। भागो। सुद्दी, बल्लू भैया, रस्सी खींचो। तो ये थे आफत की जड़। अब तुम दोनों जेल में फुसफुस करना। गिरफ्तार कर लो इन्हें। कृष्णा, आज फिर तुमने आनंद नगरी को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। प्रधान जी, जिसके पास ऐसे दोस्त हो वो कोई भी मुश्किल काम कर सकता है। मुश्किल कितना भी हो काम, दोस्त मिलके करे उसे आसान। जादुई किताब। आज से हम हर हफ्ते हर एक विद्यार्थी को एक एक नई किताब पढ़ने के लिए देंगे। हाँ गुरुजी, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल गुरुजी, पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। जरूर पढ़ो, खूब पढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ही मेरे बस में हो जाओगे। अब क्या नया टोटका लेकर आए हो त्रिकाल? ये देखिए महाराज, मेरी जादुई किताब। अनपढ़ चले हैं सबको पढ़ाने। हारोगे त्रिकाल, फिर से हारोगे। काओ काओ। क्या कहा मुकाल? इधर आओ और खोल के पढ़ो इस किताब को। मुझे नहीं पढ़नी ये तुम्हारी बकवास किताब। काओ काओ। इधर आओ और इस किताब को पढ़ो। मैं हूँ त्रिकाल और अब तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगा। अब देख मुकाल, क्या करवाता हूँ तुझसे। चल, इस कमरे की हर दीवार से अपना सर टकरा। अच्छी योजना है त्रिकाल। अब आनंद नगरी वासियों से ही आनंद नगरी की बर्बादी करेंगे। हाँ महाराज, जो इस किताब को पढ़ेगा वो मेरी हर बात मानेगा। और अब मैं ये किताब किसना को पढ़वाऊंगा और किसना के हाथों आनंद नगरी की बर्बादी करवाऊंगा। यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वाह त्रिकाल वाह। कमालम धमालम चमत्कारम त्रिकालम। ज्ञान के रहस्य, तुम्हें कहाँ मिली ये किताब? शायद बाबा ने लाई होगी, उन्हें पता है मुझे विज्ञान में बहुत दिलचस्पी है। क्या मैं इसे पढ़ सकती हूँ किसना? मेरा बहुत मन कर रहा है। तुम तो इस किताब को पढ़ने के लिए उत्सुक हो रही हो राधिका। लो रख लो, मैं बाद में पढ़ता हूँ। मैं इस राधिका को अपने बस में कर लेता हूँ। पढ़ो राधिका पढ़ो, मेरी किताब पढ़ो। जितना ज्यादा पढ़ोगी उतना ही मेरी बात मानोगी। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी नई किताब पढ़नी है। और अब तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी जैसा मैं कहूंगा।
कसरत से सेहत अच्छी रहती है। अच्छी सेहत से सब अच्छा होता है। राधिका, ये क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं गुरुजी। क्या हो रहा है तुम्हें? ए किसना, मुझसे ऐसे बात मत करो। ये कैसा बर्ताव है राधिका? क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं गुरुजी, बस एक गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। राधिका, ये क्या हो रहा है तुम्हें? मुझे मत सिखाओ किसना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और पढ़ो राधिका, और पढ़ो, पूरी किताब पढ़ ली, अब तुम पूरी तरह से मेरे बस में हो। जाओ, जाके बर्बाद कर दो आनंद नगरी को। जैसा आप कहो। और अब तुम बिल्कुल वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा। ये क्या किया? लगा है तुम्हारा त्रिकाल, इसे कहते हैं बर्बादी। महाराज आगे आगे देखिए। शाबाश राधिका, अब जाओ उस किसना को पकड़ के ले आओ। जाओ। कक्षा में गुरुजी विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। ये राधिका को क्या हो गया है? राधिका, ये सब क्या कर रही हो और कक्षा के वक्त तुम बाहर क्यों गई थी? Oh!
राधिका का गलत बर्ताव जरूर उस किताब की वजह से हो रहा है। ये तो त्रिकाल का ही काम लगता है। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा राधिका। कुछ भी याद नहीं राधिका? नहीं तो क्यों? क्या किया है मैंने? राधिका, ये सब उस किताब ने तुमसे करवाया है। मतलब? वो किताब एक जादुई किताब थी। वो तुमसे अजीब अजीब हरकतें करवा रहा था। कौन? त्रिकाल, आनंद नगरी का दुश्मन। मगर अब सब ठीक हो गया है। अच्छा हुआ। सपने देखते रहो त्रिकाल, काम तो कुछ नहीं होता तुमसे। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, अनजाने में मैंने बहुत गलत काम किया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो राधिका, लेकिन तुम्हें अब ध्यान रखना होगा कि ऐसी अजीब शक्तियाँ तुमसे कोई गलत काम न करवाए। जी गुरुजी। अब गलती को छोड़ो राधिका, अब तुम्हें अपने मन को एकदम ढीठ बना लेना चाहिए। हम सबको भी, अगर हम अपने मन को ऐसे मजबूत कर लेंगे तो ये अजीब जादुई शक्तियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा कृष्णा। ठीक कहा कृष्णा, अब मैं अपना मन बिल्कुल पक्का कर लूंगी ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। कृष्णा, सच में तुमने फिर से कमाल कर दिखाया। जो कोई ना कर पाए वो कृष्णा कर दिखाए।